हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। मेरा नाम पायल है और आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस चैप्टर का जो है हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके जो और बाकी टॉपिक्स हैं वो एक एक करके हम अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया गया है, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी फिल्म है जो लास्ट देखी थी। हम लोग सभी लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आपने जो सबसे लास्ट फिल्म देखी थी वो कौन सी थी। हर कोई उसका आंसर बता सकता है। आप जो हैं आसानी से उसके हीरो का नाम बता सकते हैं, उसकी उसमें कौन हीरोइन थी ये बता सकते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि उसी पिक्चर के साउंड और लाइट टेक्नीशियंस का नाम क्या था, तो आप जो है नहीं बता पाएंगे। या उस फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट कौन थे, डांस कोरियोग्राफर्स कौन थे, कोरियोग्राफर का मतलब जो डांस सिखाते हैं, वो लोग जो थे वो कौन थे, उनके क्या नाम थे, तो आप उनके नाम नहीं बता पाओगे। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जैसे कारपेंटर्स हो गए, जो सेट्स डिजाइन करते हैं, उनको कभी क्रेडिट जो है जो दिए जाते हैं, जैसे आप जब देखते हो कास्टिंग आती है मूवी की, उसमें नाम दिए थे, तो शायद इन लोगों के जो नाम है आप कभी ध्यान भी नहीं देते हो या उनके मेंशन भी नहीं होते। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो पूरी मूवी है वो इन लोगों के बगैर बन ही नहीं सकती है। फिल्म कुड नॉट बी मेड, इनके बगैर वो मूवी हम बना ही नहीं सकते। जो हमारा बॉलीवुड है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वो हो सकता है एक सपनों का शहर हो आपके लिए, मेरे लिए, या बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए उनके काम करने की जगह है। किसी भी इंडस्ट्री के जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से यूनियन का हिस्सा होते हैं। अब जैसे डांसर्स ले लो, स्टंट आर्टिस्ट जो एक्शंस करते हैं, या जो एक्स्ट्रा लोग हैं, वो सबके सब किसके हिस्सा होते हैं, किसका एक तरह से पार्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के। और ये जो जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है ये उनसे डिमांड करती है कि आप 8 घंटे की शिफ्ट में काम करें, आपको सही वेतन मिला जाएगा या आपको सेफ वर्किंग कंडीशंस दी जाएंगी। अब इस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स है, जो भी हम आइटम्स इसमें बनते हैं, जो भी मूवीज बनती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, उनको मार्केट किया जाता है। कौन मार्केट करता है? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो सिनेमा हॉल के ओनर्स होते हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जो शॉप्स हैं वो इनके म्यूजिक कैसेट्स बेचती हैं, वीडियोज बेचती हैं, तब जाके एक फिल्म की पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग होती है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं जैसे और बाकी इंडस्ट्रीज में, वो भी एक ही शहर में रहते हैं, पर डिपेंड क्या करता है कि वो कौन है और कितना वो अर्न करते हैं। सब लोग जो हैं अलग अलग चीजें करते हैं उस शहर के अंदर। अब जैसे फिल्म स्टार्स और टेक्सटाइल मिल ओनर्स जो हैं वो कौन सी जगह पर रहते हैं, जैसे जुहू है, जो जुहू काफी अच्छा बड़ा पॉश इलाका माना जाता है, जबकि जो एक्स्ट्रास हैं या जो टेक्सटाइल के वर्कर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, गिरन गांव में, या जैसे वहां पे धारावी वगैरह चौल वाला एरिया है वहां रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं, वहां पर वो जापानी सुशी खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वड़ा पाव खाते हैं, जो सड़क पर लोकल वेंडर्स खड़े होते हैं उनके पास से। तो जो हम कह सकते हैं मुंबई में जो लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स जो है, वो एक तरह से बटे हुए हैं। कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कितने को जो वो कपड़े पहनते हैं उनकी कीमत क्या है, ये सब जो है मुंबई में एक तरह से लोग डिवाइडेड हैं। पर अगर एक तरफ डिवाइडेड है तो कहीं एक तरफ यूनाइटेड भी है। कॉमन थिंग्स उनके बीच में क्या है कि जो एक इनको इस शहर से मिलती है तभी सब लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, क्योंकि सबके सब जो है वही सेम फिल्म देखते हैं, वही सेम क्रिकेट मैच करते हैं, ये देखते हैं, या अगर उससे खुशी मिलती है तो परेशानी भी उन्हें उसी सेम एयर पोल्यूशन से होती है। उन सबकी जो है जो आकांक्षाएं हैं अपने बच्चों के लिए कि वो अच्छा करें, ये सब करें, वो भी सबकी सिमिलर है। तो एक तरह से मुंबई डिवाइडेड भी है तो यूनाइटेड भी है। अब डिवाइडेड उनके रहन सहन पहनावे में है, तो कहीं एक जो सिमिलैरिटी है वो सेम फिल्म देखना, क्रिकेट मैच देखना, सेम एयर पोल्यूशन झेलना, या जो अपने बच्चों के अच्छा हो भला हो वो भी बड़े आदमी बने, ऐसी जिंदगी के लिए उम्मीदें करना। अब आता है कि कैसे और कहां लोग काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं और
क्या वो जो काम करते हैं उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे जो बदलाव होते हैं टेक्नोलॉजी में या जो काम करने के तरीके में है, वो उसके वजह से जो सोशल रिलेशंस है इंडिया के अंदर, एक सामाजिक तौर पे जो रिश्ते हैं इंडिया के अंदर, उसमें कितने ज्यादा बदलाव आए हैं। दूसरी तरफ जैसे हमारे सामाजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कास्ट है, किनशिप है, जेंडर हो गया, रीजन है, ये सब किसको प्रभावित करते हैं कि उस काम को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स है इनको मार्केट करा जा रहा है। और यही मेजर एरिया माना गया रिसर्च का सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमें सबसे ज्यादा विमेन जो है कुछ जॉब्स में देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? जैसे नर्सिंग में मिलेंगी, टीचिंग में मिलेंगी, बजाय और सेक्टर्स के जैसे इंजीनियरिंग है वहां पर आपको लेडीज कम मिलेंगी। अब ये आप खाली कोइंसिडेंस कह सकते हो, इत्तेफाक कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि हमारा जो समाज है उसका ऐसा सोचना है कि जो विमेन है वो ज्यादा सूट किसके लिए करती हैं, केयर करने के लिए, पालन पोषण करने वाले कामों के लिए, बजाय उन जॉब्स के जिसमें उनको माना जाए कि वो बहुत टफ हो, बहुत मस्कुलिन काम हो। उस काम के लिए हम किसको ढूंढते हैं? हमेशा आदमी को। आप कहने को जो नर्सिंग का काम है यानी केयर करना, देखभाल करना, वो कहीं ज्यादा एक मेहनत का काम है बजाय एक ब्रिज को डिजाइन करने के। अगर ज्यादा से ज्यादा विमेन जो है वो इंजीनियरिंग में मूव कर जाएंगी तो इस प्रोफेशन पर कैसे जो है असर पड़ेगा? आप सोचो, खुद ही पूछो अपने से कि क्यों जो कॉफी एडवर्टाइजमेंट्स हैं इंडिया के अंदर वो सिर्फ 2 कप ही दिखाते हैं पैकेज पे, जबकि अमेरिका के अंदर वो सिर्फ 1 कप दिखाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो कॉफी जो है एक इंडिविजुअल के तौर पर कि सुबह उठकर उनको कॉफी चाहिए इस तरह की एक्टिविटी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उनके लिए कॉफी पीना मतलब और लोगों के साथ सोशलाइज करना है। जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड हैं इन क्वेश्चंस में कि कौन क्या उत्पादन करता है, कौन कहाँ काम करता है, कौन किसको बेचता है और कैसे बेचता है। ये सारी की सारी एक अकेले की चॉइसेस नहीं है, बल्कि ये एक हमारा जो सामाजिक पैटर्न बना हुआ है ये उसका रिजल्ट है। तो हम कह सकते हैं जो चॉइस हमारे लोग करते हैं वो जो है प्रभावित करती है कि हमारा समाज जो है वो कैसे काम करेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है हमारे इस चैप्टर का, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम अपने एक एक करके अगले वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। आपको कुछ लगता है, कुछ कमेंट करना है, कुछ आज और जानना चाहें तो आप जो है कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।